करते अद्धियां नूं बुला लैंदे मते ना पूरियां होण ते फिर हजूर कित्थों देणगे खजूरां ते बदनामी ते बेइज्जती ना होवे ते अद्धे कर लैण वाले मंगा यानी चाहिदा सी उहनूं ख्याल करदा ते कुछ मंगा लैंदा जे वध गईआं ते होर मंगा लैणे मगर सियाबी दा कीदा सी भाबी दा कीदा नहीं सी सियाबी दा कीदा सी रहमत लिलआलमीन लिया कोट के ते कोई शहर दी कमी आनी नहीं सुभान अल्लाह ए जे सियाबा दा कीदा भाबियां दा कीदा नहीं ए सियाबियां दा कीदा है रब्बे काबा दी कसम सामने बोल बैठा है हजूर दुआ फरमा साडे ने एक बीस डोंगे तो मर जाते हैं डोंगा पे डोंगे च पा गोश्त होते कई मर चले इस गल मौलवी पूरा डोंगा खा जाते अल्लाह ताला तौफीक दे ते तौबा करके आज मैं चार डोंगे पेश करा मगर लंघ दौर में दिल च मुहब्बत के रसूल हो इजाजत जिन्ना मर्जी खाओ मगर गोश्त हलाल का कीमत ना लगता है तो मुहम्मद अरबी के गुलाम फिर जी चीज मिलती है हलाल का माल मिलता है हड्डियों से लिखे है हड्डिया ऐस दौर जो मिलाद शरीफ के फतवा नजर आता है कभी ना कन्ना या कुर्तियां फतवा नहीं नजर आया महल्ले सूद खाने बेशमार ने कभी उन्होंने खिलाफ फतवा जारी नहीं किया सूद खाने महल्ले सूद खाने और सूद खाने गली मुसलमान गौर करया कर कर तेन को मसला पूछे ना मिलाद शरीफ बेझिझक ते बेथड़क ऐलान करया कर बगैर दलील तो मिलाद शरीफ हजमत वाला है और जिन्होंने घर में मिलाद होंगे उन्होंने घर में खुशी होंगी है और इस जमाने मिलाद शरीफ के जमाने मैं दरख्त की गल तुम सुना रहा सरखत की एक टाणी टुट गई दरख्त की एक टाणी टुट गई नीवी हो गई मगर थोड़ा जहा पिछे छिलड़ जरा ना थोड़ी जी गुंजाइश होगी तने कैम रही थोड़ी जी तने के टहन कैम रही जो मौसम बहार आया तो वो फिर भी बहार आ गए अगर कोई इतराज करे कि पत्ते टाणी आखे तू जनाबे काजी कारी महमूद अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दी
इस हवाले बहुत सारे उलमा गुजरात तो, शेखपुरा तो, सियालकोट तो, जामिया चिश्तिया रज़िया सियालकोट के अंदर इस बात से तशरीफ लिया है कि सरकार का मिलाद मनाने वाला फकीर मौलाना मोहम्मद हनीफ चिश्ती मदद जिन्ना